फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राकेश कुमार त्रिपाठी और आज हम फैक्टोरियल नोटेशन पर डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज़ फैक्टोरियल नोटेशन? तो फैक्टोरियल नोटेशन के लिए सबसे पहली बात है कि फैक्टोरियल का जो सिंबल है फैक्टोरियल एन, फैक्टोरियल एन लिखें या फिर आप ऐसा लिखें एन और एक्सक्लेमेशन मार्क। तो जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, रिमार्क है एन फैक्टोरियल, तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों n, n माइनस वन, n माइनस टू, अप टू, बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन 3 × 2 × 1, बीच में इनके मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन आएगा यहाँ पर। तो अगर आप 7 फैक्टोरियल ओपन करना चाहते हैं तो 7 फैक्टोरियल को आप ओपन करें, 7 × 7 − 1 = 6 और कम कर दें इसको 6, फिर 7 − 2 = 5, ऐसे कम करते करते आपको 1 तक आना है, फिर आप इसका वैल्यू निकाल दें। अगर आपके पास 5 फैक्टोरियल है तो आप लिखेंगे 5, फिर कम करेंगे 4, 3, 2, 1, और इसका जो भी वैल्यू आएगा, जैसे 5 फैक्टोरियल का वैल्यू आएगा 120, इसका वैल्यू आएगा 720 × 7, 6 फैक्टोरियल तक का वैल्यू मुझे याद है 720 × 7, तो 7 × 720 आप लिख दें 720 को इस तरीके से और कैलकुलेट कर लें, तो 7 × 7 = 4900, पर ये हो जाएगा आपका 4900 प्लस 7 × 2 = 14, 140, तो ये वैल्यू आई आपके पास 5040, ये 7 फैक्टोरियल का वैल्यू है। अब जो खास बात है कि व्हाट अबाउट 1 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 1 के लिए क्या करेंगे? तो फैक्टोरियल 1 इज़ व्हाट? फैक्टोरियल 1 इज 1, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 है। तो ये अब आपको, नाउ यू विल हैव टू कीप इन माइंड सम सर्टेन रूल्स फॉर दिस, सर्टेन कंडीशंस और वी कैन से और सर्टेन कंस्ट्रेंट्स इसके ऊपर जो लागू होंगे। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि n की वैल्यू, n की वैल्यू यहाँ पर ध्यान से देख लें आप कि n की वैल्यू क्या होगी। तो n शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, n शुड नॉट बी नेगेटिव। अगर मान लीजिए n की वैल्यू -2 है तो आप -2 का फैक्टोरियल लिखने गए तो -2 का फैक्टोरियल क्या होगा? तो आप पहले लिखेंगे -2, फिर कम करेंगे, फिर -3, फिर -2, 4, इस तरीके से चलता रहेगा। तो ये कभी भी हमें 1 नहीं मिलेगा, कभी भी हमें 1 नहीं मिलेगा। हाँ, इनफैक्ट ऐसा समझ सकते हैं कि इसका सबका प्रोडक्ट -2 − -3, इन सब का प्रोडक्ट इन्फिनिटी होगा। अब वो प्लस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा, ये कोई भी नहीं बता सकता, नोबडी कैन से वेदर इट इज़ प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। पर एक बात सर्टेन है, बट वन थिंग इज सर्टेन, एंड वॉट इज़ दैट सर्टेनिटी? वो सर्टेनिटी क्या है? तो वो है 1/-n, जब भी हो, वेन एवर वी हैव 1/-negative number, इनफैक्ट आई शुड से नेगेटिव ओनली, तो इसकी वैल्यू होगी 1/, समझे आपकी प्लस इन्फिनिटी होगा या माइनस इन्फिनिटी होगा, तो इसका वैल्यू होगा 0। सो कीप दिस थिंग इन माइंड, इट मे बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन 1/-negative number इज व्हाट? इट इज 0। अब ध्यान से देखते हैं हम कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल का वैल्यू आप देखो क्या है, n फैक्टोरियल का वैल्यू n इंटू दिस मच। अगर इसको, जो ये मैंने धनुष जैसा बना रखा है, इसको क्या लिख सकते हैं हम? इसको दोस्तों लिख सकता हूँ मैं n, उस n को छोड़ दो और फैक्टोरियल को यहाँ से लेके यहाँ तक लिख लो, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल n माइनस वन। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टुडे वी विल बी डिस्कसिंग एनसीईआरटी की हम एक्सरसाइज 7.2 डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, बट दे आर वेरी सिंपल क्वेश्चंस, बट आई रिक्वेस्ट यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली। इसको आप बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लें ताकि आपको कोई कंसेप्ट और कोई क्वेश्चनिंग ना रहे। अब आई कैन से दैट इन दिस केस कि n शुड बी अ नेचुरल नंबर, n शुड बी व्हाट? n शुड बी अ नेचुरल नंबर इसके लिए। लेकिन हाँ, इधर देखते हैं हम, n की जगह 1 रख देंगे
तो वन रख देंगे तो देखें क्या आएगा आपके पास, यहाँ पर आएगा फैक्टोरियल वन और यहाँ आएगा वन इंटू फैक्टोरियल वन माइनस वन विच इज जीरो। तो ध्यान से देखेंगे फैक्टोरियल वन इज वन और वन वन से वन कैंसिल हो जाएगा या वन इंटू जीरो फैक्टोरियल विल रिमेन जीरो। सो द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इज दिस, फैक्टोरियल जीरो इज वन। सो दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आर दिस, वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू वन इज वेरी मच अंडरस्टूड टू यू, ये क्यों भी आपको इसमें दिक्कत नहीं है, बट दिस टू रिजल्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पर मैंने कहा था n बिलोंग्स टू n कहा था, पर अब आपने देखा होगा, नाउ द क्लियरिटी हैज कम इन योर माइंड दैट जीरो फैक्टोरियल में एग्जिस्ट। सो इट कैन बी सेड दैट n बिलोंग्स टू n यूनियन वॉट, n यूनियन जीरो मीन्स w, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स मतलब आप क्या क्या निकाल सकते हो, तो आप फैक्टोरियल निकाल सकते हो होल नंबर्स का, होल नंबर्स का फैक्टोरियल मतलब जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। हाँ फ्रैक्शन के केस में, इवन फ्रैक्शन के केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल, आप समझ सकते हो, यू कैन एक्सपीरियंस दिस थिंग, फैक्टोरियल ऑफ टू बाई थ्री हाउ विल यू बी एबल टू ओपन दिस टू बाई थ्री, टू बाई थ्री में से वन कम करेंगे फिर वन कम करेंगे, बट यू विल नेवर रीच एट वॉट, यू विल नेवर रीच एट वन। तो फैक्टोरियल टू बाई थ्री भी हम नहीं निकाल पाएंगे दोस्तों, फैक्टोरियल टू बाई थ्री भी नहीं निकाल पाएंगे। तो हम जो निकाल पाएंगे उन नंबर्स के फैक्टोरियल, तो वो कौन होंगे, दे विल बी होल नंबर्स, दे विल बी वॉट, दे विल बी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के आप क्या निकाल सकते हो, होल नंबर का फैक्टोरियल वैल्यू निकाल सकते हो, बाकियों का नहीं निकाल सकते। और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं तो दैट इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च, और हम यहाँ रिसर्च नहीं करें, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम 7.2 की कुछ प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और बीच बीच में मैं आपको ऐसे इनपुट्स देते जाऊंगा विच विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो देखते हैं दोस्तों, पहला केस है 7.2 का, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 8 का वैल्यू निकालना है क्वेश्चन नंबर 1, और उसका पहला ही क्वेश्चन है फैक्टोरियल 8, 8 फैक्टोरियल बुक में इस तरह से लिखा है, तो आप ऐसे लिखो वैसे लिखो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 5, आप डैश 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 लगा के भी लिख दें, यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रोडक्ट हमने अभी पीछे थोड़ी देर पहले देखा है। तो ये था 5040, तो अब आप चाहें तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दें, 8 इंटू 0, 8 फोर दा 32, और यहाँ आ जाएगा 32, 8 फाइव दा 40, तो ये आपका आ गया 40,320। ये था आपका पहला रिस्पांस। अब दूसरा जो 7.1 एक्सरसाइज, 7.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट का सेकंड पार्ट है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3, वेरी सिंपल। इसमें आप ये वाला रिजल्ट भी ध्यान रखेंगे, तो आई विल टेल यू टू कीप दिस थिंग इन माइंड, फैक्टोरियल ए माइनस फैक्टोरियल बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट, नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ ए माइनस बी, एंड सिमिलरली फॉर प्लस, प्लस के लिए भी नहीं होगा, यू कैन एक्सपीरियंस हियर, आप इसको यहाँ एक्सपीरियंस कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर तो डायरेक्ट क्या हो जाता आपका 4 माइनस 3 वन फैक्टोरियल, वन फैक्टोरियल इज व्हाट 1, लेकिन इसका वैल्यू देखो आप 4 फैक्टोरियल होगा 4321, ये हो जाएगा आपका 321, तो ये हो जाएगा 24, 24 में से 6 चला गया, 24 माइनस 6, तो ये आपके पास आ जाएगा दोस्तों 18 आ जाएगा। तो अब आप इसको देखें तो दिस इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी भी आप ध्यान रखेंगे। आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दिस प्रॉपर्टी इन योर माइंड, एंड द सेम प्रॉपर्टी इज हियर, मैं यहाँ लिख देता हूँ फैक्टोरियल ऑफ ए इंटू फैक्टोरियल ऑफ बी में भी आप ऐसी गलती ना करें, क्या नहीं करेंगे, दिस इज़ नॉट फैक्टोरियल ए इंटू बी, और सेम इन डिवीज़न, ऐसा ही डिवीज़न में भी होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। मैं डिवीज़न वाली बात भी लिख देता हूँ ताकि आप अपनी डायरी में नोट कर सकेंगे इस बात को,
तो डिवीजन के केस के लिए भी यही चीज़ है। क्या चीज़ है वो? फैक्टोरियल ऑफ ए अपॉन फैक्टोरियल ऑफ बी। एक्सेप्शनल केसेस डिस्कस नहीं कर रहे हम, वी आर नॉट डिस्कसिंग एक्सेप्शनल केसेस कि जब ए वन हो जाएगा बी वन हो जाएगा तब हो जाएगा, तो दोज केसेस आर नॉट बीइंग डिस्कस्ड हियर। इन जनरल आई एम सेइंग टू यू नाउ, सेकेंड का जो फर्स्ट पार्ट है उस सेकेंड सॉरी क्वेश्चन नंबर टू में आपसे पूछा है, यू आर आस्क्ड इन क्वेश्चन नंबर टू इज 4 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल, तो योर आंसर विल बी व्हाट? आंसर इज नो। योर आंसर मस्ट बी व्हाट? योर आंसर इज शुड बी नो। क्यों? आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, इसका वैल्यू 24 आएगा, इसका वैल्यू 6 आएगा, और इन दोनों इन 7 फैक्टोरियल का वैल्यू आया था आपका 5040, सो दीज टू साइड्स आर अनइक्वल, देयरफॉर दिस इज नॉट ट्रू। थर्ड में आपसे पूछा है कंप्यूट, थर्ड क्वेश्चन में कंप्यूट 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो कंप्यूटिंग का जो टेक्निक है वो थोड़ा सा आप समझ लेंगे अगर, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं, इसके कंप्यूटिंग का तरीका कि कैसे कंप्यूट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेशन आप देख लीजिए। आपके पास 8 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू, आगे का आप मत ओपन कर दिए, आगे आप इसमें एक तरीके से ब्रेक लगा दीजिए। जैसे मैं आपको कहता हूँ ना, देखिए ध्यान से देखिएगा इस बात को, उस केस में भी मैंने कहा था आपको, जैसे हमने n फैक्टोरियल को ओपन किया था, n n-1 n-2, फिर जहाँ पे भी हमें रोकना हो वहाँ हम ब्रेक लगा दें। ब्रेक लगा दें मतलब यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ से हम इसको क्या लिख देंगे, पूरे इस केस को लिख देंगे n इंटू फैक्टोरियल n-1। जैसे आप समझें कि आपके पास यहाँ लिखा है 100 फैक्टोरियल लिखा है, अब 100 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, यहाँ पे लिखा है 99 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो 100 फैक्टोरियल ओपन करो आप तो कितना टाइम लगेगा, फिर 99 ओपन करोगे तो आप ऐसा भी लिख सकते हो इसको 100 इंटू, आप 99 पे इसको ओपन करते जाना है कंटिन्यूसली 99, 98, 97, और जहाँ आपको ब्रेक लगाना हो तो आप ब्रेक लगा दें। तो मैंने 99 पे ब्रेक लगा दिया, तो ये 99 फैक्टोरियल से क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया, तो आउटकम इज़ व्हाट, आउटकम इज़ 100। तो यहाँ पे भी दोस्तों इसी तरीके का है, 6 फैक्टोरियल पे 6 पे ऊपर ब्रेक लगा दिया, नीचे ऑलरेडी 6 फैक्टोरियल है, बोथ विल बी कैंसलिंग ईच अदर, 2 फैक्टोरियल यू नो इज 2 इंटू 1, नाउ यू कैन कैलकुलेट। तो ये 2 से कैंसिल कर दें इसको, 4 से बन जा 28, तो ये आपका आउटकम आ गया 28। धीरे धीरे इसकी छोटी छोटी सी बातें सीख लें, आपके काम आएगी, क्योंकि आने वाली एक्सरसाइजेस हैं जिनमें कैलकुलेशन है, तो हमें कैलकुलेशन समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सिंप्लीफाई करना है, 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल, क्वेश्चन नंबर है 4, 1/6 फैक्टोरियल 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करना बेहद आसान है, इनमें सब में दो तीनों में नोटिस कर लें सबसे छोटा कौन है, 6, 7, 8 में सबसे छोटा है 6 फैक्टोरियल, तो ये 6 फैक्टोरियल रखें इसको, इसको ओपन कर लें। ओपन करने का वही स्टाइल है जो मैंने आपको कहा है, ब्रेक लगाने वाली बात, इसको भी आप ओपन कर लें, ये हो जाएगा आपका 8, 7, 6 फैक्टोरियल। इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, आप चाहें तो आप एक साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, अगर आपकी मास्टरी है तो आप यहीं कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया आपका। अब आप 6 फैक्टोरियल को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हैं, यहाँ से आप ट्रांसफ़र करके वहाँ भेज सकते हैं, और अगर आप समझते हैं कि वहाँ जाने के बाद भी यही होना है तो यहाँ भी कैंसिल कर सकते हैं। आप इस साइड में लेफ्ट साइड में आप एलसीएम ले लीजिए, लेफ्ट साइड में आप एलसीएम लेंगे तो 7 + 1 8/7 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 8 × 7, ये 7 को कैंसिल कर देगा, 8 जा क्या हो जाएगा आपके पास, 8 जा आपके पास आ जाएगा दोस्तों 64। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो है 64। क्वेश्चन नंबर 5,
और इसका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, दो पार्ट के साथ है। मैं फिर भी आपको और इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा, आप क्वेश्चन नंबर 5 देख लें पहले। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इवैल्यूएट एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। इवैल्यूएट, इसकी वैल्यू निकालना, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब एन की वैल्यू दी हुई है आपको, एक बार 6 और 2, एक बार 9 और 5। जो पहला पार्ट है उसमें एन की वैल्यू 6, आर की 2 दी है। दूसरा वाला जो पार्ट है उसमें एन की वैल्यू 9 है, आर की वैल्यू 5 है। आप ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, तो जहाँ 6 रखेंगे आप तो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। चाहो तो मैं वही लिख देता हूँ, 6 माइनस 2। अब ये हो जाएगा 6 5 4, पे ब्रेक लगा दीजिए। यही इसमें खास बात है कि पूरा लिखने की जगह आपका ये कैंसिल हो गया और आंसर आ गया आपका 30। इसमें भी वही करना है आपको, 9 फैक्टोरियल 9 माइनस 5 फैक्टोरियल, थोड़ा सा एक्सपांशन ज़्यादा होगा, 9 8 7 6 5, और यहाँ पर आएगा 4 फैक्टोरियल। नीचे भी आ गया आपके पास 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, कैंसिल। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं भी कोशिश करता हूँ, आप भी कोशिश करेंगे। तो ये ले लेते हैं हम, 8 5 जा 40 7 6 जा 42, 40 × 42 × 9। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर लें, वही आंसर जो आप कैलकुलेट करेंगे द सेम आंसर विल बी फॉर मी। तो होपफुली ये आपको बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो दिस वॉज अबाउट दिस एक्सरसाइज, ओनली 5 क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज विच वी हैव सॉल्व कम्प्लीटली, none of the question is left out। और इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, इन केस इफ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डाउट प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो, माय व्हाट्सएप नंबर इज विद यू, यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट एनी टाइम, आई एम एट योर डिस्पोजल। बट माय रिक्वेस्ट टू यू पीपल इज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज इट इज नॉट माय चैनल, इट इज योर ओन चैनल। सो माय बेस्ट विशेस विद यू, विश यू ऑल द बेस्ट।